m प्लस यू इक्वल टू ए माइनस एस। ये जो चीज मैंने आपके सामने बताया, क्या आपके पास कोई अंदाजा है कि अल्टीमेटली ये मैं क्या बता रहा हूँ? अगर अंदाजा नहीं है तो ये वीडियो देखते ही एकदम आपके पास 100% इसका कंफर्मेशन पहुंच जाएगा कि अल्टीमेटली मैं आप लोगों के सामने क्या कहने की कोशिश किया। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस आज समाज का एक आईना बन गया है, जिस आईने में आप हमारी आज की समाज की ये नंगा रूप को देख पाएंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस आज के दिन में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। ये कभी भी बहुत बड़ी तबाही ला सकता है और ये बात हर एक गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक पॉलिटिकल लीडर्स को भी अच्छी तरीके से पता चल चुका है। क्या आपको पता है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुशांत केस को लेके अपना मुंह बंद कर दिया है? इस मेल में जो नेसेसरी एक्शन लेने की बात किया गया था, क्या बस ये एक फॉर्मेलिटी के लिए? क्या ये मेल भेजने के बाद जो लोग नेसेसरी एक्शन लेने वाले थे उन लोगों को मना किया गया था? अगर नहीं तो प्राइम मिनिस्टर की ऑर्डर के बाद भी क्यों सीरियस एक्शन लेके इस केस की फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया था? सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एक नेशनल लॉस है, तो इस नेशनल मैटर को क्यों दबा के रख दिया गया है? क्या मोदी जी खुद किसी को बचाना चाहते हैं? कहीं ये केस का रिजल्ट सरकार चेंज करने की पावर तो नहीं रखता? तो चलिए ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ महीने पहले ही भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने ये एलिगेशन लगाया था कि बीजेपी पार्टी सीबीआई और ईडी की मिसयूज करके हर एक ऑपोजिशन पार्टी को उनके आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर रहा है। इस न्यूज में देखिए, केटी रामाराव ने ये एलिगेशन लगाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सीबीआई और ईडी को हंटिंग डॉग यानी शिकारी कुत्ते की तरह यूज कर रहा है, यानी सीबीआई और ईडी की फुल कंट्रोल मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड पड़ने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कोई भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं कर सकते, पर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपा, उसके बाद सीबीआई की फाइनल रिजल्ट के लिए उनको बार बार उनकी मदद की अर्जी लगाने के बाद भी कोई अनजान रीजन के चलते कोई एक्शन ना लेने को क्या भ्रष्टाचार नहीं कहता है? बीजेपी पार्टी की करप्शन की लिस्ट देखना है तो गूगल में जाके सर्च करना, करप्शन लिख के हजार से भी ज्यादा घटना आपके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। हाँ, पता है कि अब यहाँ कोई भी कह सकता है कि क्या कांग्रेस के टाइम पे करप्शन नहीं था, पर दोस्तों दूसरों की गलती गिना के अपनी गलती कम नहीं किया जा सकता है, ये बस एक एक्सक्यूज है। क्या मोदी जी सुशांत सिंह राजपूत की मामले में किसी बड़े वीआईपी की बेटी को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक करियर जोखिम में डाल रहा है? और अगर इसका आंसर हाँ है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? अगर हम एक पल के लिए मान ले कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस के पीछे मेन मास्टरमाइंड महाराष्ट्र की एक सीएम की बेटा आदित्य ठाकरे था, तो फिर मोदी जी क्यों उनको बचाना चाहते हैं? दोस्तों महाराष्ट्र में आज तो बीजेपी पार्टी की सरकार चल रहा है, जिसका सीएम है एकनाथ शिंदे, पर ऑपोजिशन में है उद्धव ठाकरे। दोस्तों ये मत भूलना कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का एक अच्छा प्रभाव है और वो एक लार्ज परसेंटेज ऑफ वोट को कम भी कर सकता है, और अगर वो वोट को बीजेपी की वोट के साथ जोड़ा जाए तो फिर बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर एक बाहुबली सरकार गठन करने में कामयाब हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बाहुबली सरकार के आगे कोई भी ऑपोजिशन टिक नहीं पाएगा। अब सीबीआई और ईडी की डर दिखा के उद्धव ठाकरे को तो दबाया नहीं जा सकता, तो नेक्स्ट वे ये है कि आज जो उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको मिटा दो। और उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी सरदर्द क्या है? उनकी बेटे के ऊपर लगा इतनी बड़ी एक एलिगेशन, और ना जाने सीबीआई की रिजल्ट पे भी उनकी बेटे का नाम रह सकता है, तो अगर रिजल्ट ही ना निकले तो फिर आदित्य ठाकरे को और कोई भी केस में फंसाया नहीं जा सकता है। आई होप कि ये गेम अभी आपको समझ में आ रहा है। कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मोदी जी हमारी एनिमी नहीं है, और इसी स्टेटमेंट से मैक्सिमम चीज क्लियर हो जाते हैं कि शायद अंदर ही अंदर कोई समझौता की बात तो नहीं चल रहा है। अब यहाँ और एक समस्या है कि बीजेपी खुद ओपनली उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जस्टिस फॉर सुशांत ना भूलेंगे ना भूलने देंगे कैंपेन को लेकर एक बार वोट की राजनीति कर चुका है। उस समय ना भूलेंगे ना भूलने देंगे कैंपेन को चलाने के लिए बीजेपी ने 25,000 स्टिकर छपाया था और 30,000 से भी ज्यादा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यानी सुशांत सिंह राजपूत की इमोशन को लेके एक बहुत बड़ी वोट की राजनीति ऑलरेडी हो चुका है।
और इस वजह से इतनी ओपनली उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करके खुद को दोगला साबित नहीं करना चाहेगा बीजेपी, बल्कि उद्धव ठाकरे अपनी पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया है, ये प्लान ज्यादा असरदार होगा। मतलब बीजेपी सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके खेल गया है, और शायद ये सब कुछ देखते हुए ही कांग्रेस ने उस टाइम पे एक आवाज उठाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में बीजेपी की एंगल से भी सीबीआई को जांच करना चाहिए। यानी हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले में बीजेपी की ही कोई नेता शामिल हो। और उस टाइम पे कांग्रेस ने यह भी कहा था कि एक फ्लॉप फिल्म मेकर संदीप सिंह को बीजेपी एजेंडा वाली मूवी बनाने का काम दिए ही जा रहा है। जो संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस में कई सारे क्वेश्चन छोड़ गए हैं, जिसका आंसर आज तक किसी को नहीं पता। क्या हमारे देश में और कोई डायरेक्टर नहीं था? उस टाइम पे पॉलिटिकल लीडर सचिन सावंत ने क्वेश्चन किया कि 310 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने अपनी फाइनल कंक्लूशन लोगों के सामने क्यों नहीं रखा? क्या सीबीआई अपनी पॉलिटिकल बॉस की प्रेशर में आ गया है? यानी लाख बात की एक बात, सब कुछ के पीछे एक ही बात साबित होता है कि शायद बीजेपी पार्टी अपने ही कोई मकसद को पूरा करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस को एक ऊपर जाने की रास्ते की तरह यूज किया था बस। और शायद वोट बैंक के चलते महाराष्ट्र जैसे इतनी बड़ी एक क्षेत्र में अपनी दबदबा बनाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की केस के सहारे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की हाथ पकड़ना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि M plus U is equal to A minus S, यानी मोदी प्लस उद्धव इक्वल्स टू आदित्य ठाकरे माइनस सुशांत सिंह राजपूत। अब आने वाले दिनों में ही ये देखने के लिए मिलेगा कि क्या अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे और मोदी जी कंधे पे कंधा मिला के महाराष्ट्र में खड़ा होंगे या फिर नहीं। और अगर ये कैलकुलेशन सच निकला तो फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई को अपनी दुकान बंद करके घर जाना पड़े। तो इस विषय में आपका राय क्या है, डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।